दोस्तों इलाहाबाद और मुगल सराय की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलने जा रहा है। जी हाँ, अब फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखने की तैयारी है। आपको बता दें कि जिला पंचायत की बैठक में नाम बदलने के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। जिले का नाम बदलने की सुगबहाट काफी दिनों से चल रही थी। इसे देखते हुए फिरोजाबाद का प्राचीन नाम चंद्रनगर रखने जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में पारित कर दिया गया। दोस्तों फिरोजाबाद जिला पंचायत बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में विकास और जनहित के कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। साथ ही फिरोजाबाद सदर के ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव ने जिले का नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे बोर्ड ने सर्वसम्मति से पारित कर शासन को भेज दिया है। एक बड़े न्यूज चैनल से बात करते हुए जिला पंचायत की अध्यक्ष हर्षिता सिंह ने कहा कि प्रस्ताव को शनिवार यानी 31 जुलाई को एक सत्र में मौखिक रूप से पेश किया गया था, जब अधिकांश सदस्य मौजूद थे। यह प्रस्ताव प्रखंड प्रमुख लक्ष्मी नारायण द्वारा लाया गया था। उन्होंने कहा कि सदन ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया क्योंकि किसी ने भी कोई विरोध नहीं दिखाया। सदन में एक भी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। अगले हफ्ते तक हम जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्ताव के बारे में सूचित करते हुए एक पत्र लिखेंगे, फिर वो आगे की कार्रवाई करेंगे और सरकार को लिखेंगे। अंततः सरकार नाम परिवर्तन के बारे में अंतिम निर्णय लेगी। वहीं फिरोजाबाद का नाम बदलने की वजह के बारे में पूछे जाने पर हर्षिता सिंह ने कहा, हम नाम बदल नहीं रहे हैं, हम बस पुराने नाम पर वापस जा रहे हैं जो मुगलों के भारत आने से पहले था। बादशाह अकबर के प्रतिनिधि फिरोज शाह ने इस जगह का नाम बदलकर फिरोजाबाद कर दिया था। 1560 के दशक से पहले इस जगह का नाम राजा चंद्रसेन के नाम पर था। वहीं बीजेपी नेता और प्रखंड प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा कि पूरा जिला ये बदलाव चाहता है। मैंने इस प्रस्ताव को नए सत्र में पहले आदेश के रूप में पढ़ा और उन्होंने कहा कि इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। भाजपा नेता कन्हैया लाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो पहले ही फिरोजाबाद का प्राचीन नाम चंद्रनगर का प्रयोग करता रहा है। प्राचीन समय में जैन राजा चंद्रसेन की नगरी थी जिसका नाम चंद्रवाड़ था। कालांतर में मुस्लिम शासकों ने चंद्रवाड़ पर हमला कर इसे तहस नहस कर दिया था। उन्होंने कहा कि चंद्रवाड़ नगरी के अवशेष अभी भी यमुना के किनारे मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 1566 में अकबर ने सिपह सालार फिरोज शाह को भेजा था, जिसके बाद बसाए गए नगर का नाम फिरोजाबाद रखा गया था। दोस्तों इस मामले पर आपकी क्या राय है, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।